साधु बाबा है और ये लेडी है, इनका स्टोरी से हम क्षमा का इंपॉर्टेंस समझते हैं। क्षमा यानी फर्गिवनेस, फर्गेट या फर्गिव हमें क्यों करना है, इस स्टोरी से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक साधु महाराज हर रोज गांव में आते हैं और गांव में आते वो भिक्षा मांगते रहते हैं और भिक्षा से उनका गुजारा चलता रहता है। तो गांव में कभी कोई भिक्षा देता है, कभी कोई भिक्षा नहीं देता, ये चलता रहता है। पर एक गांव में एक औरत रहती है बूढ़ी, और वो जरा खड़ूस रहती है। खड़ूस इसलिए बोला गया कि जब भी ये साधु बाबा उसके पास आते हैं, उसके घर के नीचे वो ऊपर रहती है चौथे मंजिले पे, जब भी वो देखती है साधु बाबा को आए, वो क्या करती है, एक टोपली रहती है ना कचरा की, तो कचरा की टोपली रहती है और उसके ऊपर वो कचरा डालती है ऊपर से। तो साधु महाराज को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अपना जवाब तो है आएगा। बट वो साधु है, साधु का मतलब है जिसने साध लिया है, मतलब जिसने सादगी आ गई है। साध लेना मतलब किसी चीज को उन्होंने साधा है, तो वो साधु है, तो उनको गुस्सा नहीं आता। वो साधु महाराज उस पर देखते हैं और उसको दिल ही दिल में क्षमा बोल देते हैं और आगे चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर साधु महाराज आते हैं, जैसे ही वो देखती है साधु महाराज आ रहे हैं, फिर अपना कचरा रहता है वो टोपली में, कचरा उनके सर के ऊपर डाल देते हैं। साधु महाराज ऊपर देखते हैं, स्माइल करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन, ये रोज सिलसिला। साधु महाराज आएंगे, बूढ़ी औरत वो टोपली लेगी कचरे का और उनके सर के ऊपर डालेगी और साधु महाराज देखे चले जाएंगे। ऐसे 8-10 दिन होने के बाद क्या होता है, एक दिन साधु महाराज आते हैं और वेट करते हैं कि अभी कचरा आएगा, बट कचरा ऊपर से आता नहीं है। साधु महाराज को आश्चर्य लगता है, अरे आज कचरा क्यों नहीं आया। फिर वो साधु महाराज थोड़ा देर रहा देखते हैं, कचरा नहीं आया, फिर वो साधु महाराज निकल जाते हैं। फिर ऐसे दूसरे दिन भी वैसे ही होता है, कचरा आता ही नहीं है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 4 दिन हो जाता है कचरा आता नहीं। फिर साधु महाराज को लगता है अभी क्या हो गया, बोलता है ऊपर जाके देखता हूँ, मतलब ये जो बूढ़ी औरत है लगता है कुछ इसका तबियत खराब हो गया, क्या होगा पूछ लेते हैं। तो साधु महाराज ऊपर चौथे माड़े पे चल के जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो बूढ़ी दरवाजा खोलती है। फिर पता चलता है कि बूढ़ी बहुत बीमार है, क्योंकि वो उसके उस और उसको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इससे उसके इसके गलत व्यवहार की वजह से उसके बेटे बहू वो घर छोड़ के चले गए होते हैं। तो साधु महाराज उसको लेके फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में उसको भर्ती करते हैं, हॉस्पिटल में उसकी पूरी सेवा करते हैं, और कुछ हफ्ते बाद बूढ़ी फिर ठीक होके घर आ जाती है। और जब ठीक होके आती है फिर साधु महाराज उसको घर पे छोड़ते हैं। फिर दूसरा दिन आ जाता है, तो दूसरा दिन आ जाता है मतलब हॉस्पिटल से बूढ़ी औरत आई है और नया दिन आया है। फिर साधु महाराज शाम को, सॉरी सुबह सुबह आ जाते हैं नीचे और ऊपर देखते हैं कि कचरा आएगा अभी, पर कचरा नहीं आता है। फिर वो बूढ़ी औरत उतर के नीचे आती है और उनको कचौड़ी दे देती है, कचौड़ी खिलाती है। तो ये स्टोरी का शीर्षक जो होता है कि कचरा बन गई कचौड़ी, तो कचौड़ी दे देती है उनको। फिर वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है उनको, वो ध्यान से सुनना, ये जो सेवट लास्ट का जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वो बूढ़ी औरत बोलती है, साधु महाराज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने आपको कचरा डाला, बट आपने तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, मेरा इलाज किया, मेरी गलती की, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे क्षमा कर दो। तो साधु महाराज का जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधु महाराज ने कुछ साध लिया था। साधु महाराज उसको बोलते हैं, मैंने क्षमा तो आपको पहले दिन ही कर दिया था, पहले दिन में ही जब आपने मुझे कचरा डाला था, पहले दिन ही मैंने क्षमा आपको किया था, बट मेरी क्षमा आप तक पहुंचने में इतने दिन लगे। समझ में आया? मतलब ये साधु महाराज को जो क्षमा उन्होंने औरत को की थी, तो उसको समझने के लिए वो औरत को उनको बूढ़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वो औरत को उस साधु की अच्छाई को पता चला और पूरा 8-10 दिन गया। तो इसका मतलब क्या है, साधु महाराज के मन में कुछ भी वो औरत के लिए बुरे भाव नहीं आए, निगेटिव भाव नहीं आए, द्वेष भाव नहीं आए, नकारात्मक भाव नहीं आए, घृणा नहीं आए। अरे वो औरत को तो मैं देख लूंगा, ये बूढ़ी औरत समझती क्या खुद को, क्योंकि वो साधु था, उसने साध लिया था अपने मन को, उसके मन के ऊपर खुद का कंट्रोल था, तो इसके लिए उसको किसी के भाव में बुरा भाव नहीं आता था, वो इसलिए वो सहजता से माफ कर पाए, इसलिए वो तो साधु बोलते हैं। साधु का मन अपने कंट्रोल में था। बट अपना ऐसे होता है क्या? अपना ऐसे नहीं होता है।
किसी ने अपने के लिए कुछ बोला, किसी ने अपने कुछ बोला कहा कि अरे इधर जा उधर जा, इधर क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, इमीडिएटली हमें गुस्सा आता है, या हमारे मन के हिसाब से नहीं किया तो हम इमीडिएटली उसको रिएक्ट करते हैं। पर ये क्षमा अगर एक साधु इतना साध लेता है और औरत जिसके मन में नफरत थी वो नफरत प्यार में बदल सकता है, तो क्षमा में कितनी ताकत है। तो कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ जिनको मैंने काउंसलिंग किया, और उसके बाद समझने के बाद हम उसको क्षमा को आज हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो अगेन मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इससे आपको और समझ में आएगा गहराई से कि आपको क्यों क्षमा करना है, आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं उनको क्यों क्षमा करना है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताएगा। ये तो आप बोलोगे एक किताबी एग्जाम्पल है, साधु था, हम तो साधु नहीं है। तो देखो क्या होता है, ये मैंने कोचिंग किया था, मैंने अभी तक 300 लोगों को कोचिंग किया है, उसमें से काफ़ी लोगों को रिजल्ट आया। ये जो पति पत्नी है ये अलग रहते थे, ये रियल एग्जाम्पल है, और ये अलग रहते थे और इनको मैंने क्षमा सिखाया था, तो इनकी स्टोरी पहले सुनते हैं। तो जब मैं इनके घर गया तो इनके घर वाले जो थे, घर वाले सास ससुर यानी बेटे के माँ बाप, वो बहू 3 साल से उनके घर पे नहीं थी, फिर भी बहू के बारे में पूरा बता रहे थे, बहू ने ऐसा किया वैसा किया, ये गलती की वो गलती की, ऐसा किया वैसा किया, पूरा बहू के बारे में बुराई कर लिया था। मैंने आधा घंटा उनका सुना, आधा घंटा सुनने के बाद मैंने उनको स्टॉप किया, क्योंकि रात को 10:30 बजे पहुंचा था, तो 10:30 हो गए उनका सुनने सुनते। फिर मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई वही उनको स्टोरी सुनाई थी उस वक्त, और मैंने उनको एक जवाब सवाल पूछा जो अभी मैं सवाल आपको पूछ रहा हूँ, जो नेक्स्ट लाइन में है, ध्यान से सुनिए। मैंने एक ही सवाल पूछा उनको, जो सवाल आपको पूछ रहा हूँ, तो आपको समाज का इंपॉर्टेंस और समझ में आएगा। मैंने उनको ये सवाल पूछा, ये क्या है, उस वक्त तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, बट आज तो लैपटॉप है, स्लाइड को आप देख पा रहे हो। मैंने उनको सवाल पूछा कि ये गन्ने का मशीन है, इस गन्ने के मशीन में अगर आप गन्ना डालोगे तो गन्ने का मिठास गन्ने के मशीन को लगेगा, सही है, बट अगर आपने जो पिक्चर में दिया है, अगर आपने स्टोन डाला, पत्थर डाला, तो क्या होगा, तो पत्थर डाला तो वो जो मशीन है उसके दांत टूटेंगे। तो आपको समझ में आया, तो उनको भी समझ में क्लिक हुआ कि वो बोले, उनको बोला कि अभी तो बहू आपके पास नहीं है, 3 साल से वो मायके रह रही है, मतलब उसके घर में रह रहे, बट 3 साल से बहू के बारे में आप अपने मशीन के अंदर क्या डाल रहे हो, गन्ना डाल रहे हो कि पत्थर, पत्थर डाल रहे हो, जो भी मिलता है उसको बता रहे हो, ये मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरी बहू ने वैसा किया, मतलब आप चाहते हो ना आपकी बहू आपके घर में आए, मतलब हाँ चाहते तो है, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा था उनका, और आज 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए अभी वो पति पत्नी साथ में रहते हैं। बहुत सारा टेक्निक मैंने उनको सिखाया था, बट उसमें से एक पावरफुल टेक्निक जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, मैं बोला अभी आपको क्या करना है, उस बहू को माफ करना है। बोले अरे उसको माफ करेंगे, मतलब दो बातें करनी है, पहली बात तो उसके बारे में बुराई आपको करना नहीं है, जो आप 3 साल से, उसने तो 3 साल, हाँ ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, उसने 3 साल पहले आपके साथ कुछ गलत किया, मान भी लेते हैं हमने गलत किया, मान भी लेते हैं एक सेकंड के लिए, मान लेता हूं कि उसने बहुत गलत किया आपके साथ, पर उसने 3 साल पहले किया, पर वो 3 साल से आप एक बार फिर से रिपीट करके बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार रहो, जो मिला उसको बता रहे हो, बाजू वाला मिला उसको बता रहे हो, अपने साथ डिस्कस कर रहे हो, तो 3 साल से आपके, आपका जो माइंड है, आपका जो शरीर है, उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, स्टोन डाल रहे हो। तो उसने तो एक बार दो बार 10 बार गलत किया होगा, बट 3 साल से 365 into 3 days, मतलब 1000 दिन से ज्यादा उस बहू के बारे में खुद को आप बता रहे हो, आपके माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, और आपके दांत टूट रहे हैं, उसने 10 बार गलती की, आपने 1000 बार बता के खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मुझे बताओ ज्यादा गुनेगार कौन, वो कि आप, कौन है आप खुद, कि उसने तो 10 गलतियां की और याद कर करके 1000 बार आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, और जब आप वो याद करते हो तो आपके अंदर फीलिंग क्या आती है, बुरी फीलिंग आती है। तो इसका उपाय क्या है, मतलब ये तो पहले समझ में आया कि वो उससे बड़ा गुनेगार आप खुद हो, कि उसने एक बार गलती की, आपने 100 बार गलती की, तो आप बड़े गुनेगार हो, तो पहले आपको ये गुनाह रोकना पड़ेगा, मतलब आपको अभी वो रिपीटेशन नहीं करना है, जो उसने गलती की आपको दोहराना नहीं है, पहले तो ये स्टॉप करो। वैसे ही आपके लिए भी, आपके साथ किसी ने बुरा किया होगा या आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, उसको बार बार अगर याद करते हो
तो आपके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जिसकी ताकत 90% है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम निगेटिव खाद्य खिला रहे हैं। अभी हमें अफर्मेशन क्यों रहे बोल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव जाए अपने अंदर, और हम वो किसी का गलत बात दोहराएंगे तो वो भी जाएगा ना, अंतर्मन वो ले लेगा और वही आपके जीवन में दे देगा। इसलिए हमको जो भी गलत किसी ने किया है, या हमने किसी के साथ गलत किया है, उसने अपने साथ गलत किया है, तो एग्जाम्पल याद रखना है कि आपका ये शरीर यानी आपका ये गन्ने का मशीन में आपको पत्थर डालना है या गन्ना डालना है, आपको डिसाइड करना है। पत्थर डालोगे तो आपके दांत टूटेंगे, और उसने तो एक बार अत्याचार किया, आप बार बार खुद पे याद करके खुद पे अत्याचार करोगे। तो पहला स्टेज आपको याद नहीं करना है, और याद आए तो उपाय क्या करना है, क्षमा मांगनी है। और कैसे मांगनी है, हम करने वाले हैं। आपको क्या करनी है, सबसे पावरफुल मंत्र है या यह है फर्गिव, फर्गिव एंड फर्गेट। आपको क्षमा मांगनी है और क्षमा करनी है। जो दिन के वर्कशॉप में जब आया था तो मैंने एग्जांपल बताया था, ये अगर मेरे पास साथ में है, अगर ये हाथ में लेते रहूंगा, एक मिनट हाथ में रखूंगा, एक मिनट यानी 60 सेकंड, फिर मैंने मान लो एक घंटा रखा, फिर मान लो मैंने एक दिन रखा, फिर मैंने एक महीना रखा, एक महीने बाद मेरा हाथ क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब ये वजन मेरा हाथ नहीं ले पाएगा। वैसे ही किसी के बारे में, किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, या आपने किसी के साथ गलत किया है, और अगर आपके थॉट प्रोसेस में वो है, आपके विचारों में है, तो आपको नुकसान ज्यादा होगा उस विचार का। तो आपको नुकसान नहीं होना है, तो हमें क्या करना है, क्षमा करना है उसको, क्षमा करना है और उससे क्षमा मांगना है। तो ये क्षमा का इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको। अभी हम वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि अपने अंतर्मन में, मन में हमें कचरा नहीं डालना है, अपने मन में अपने शुद्ध विचार डालने हैं, अच्छे विचार डालने हैं। जब अपने अंदर अच्छे शुद्ध विचार आएंगे तो हम अच्छे और शुद्ध बनेंगे, कचरा निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्षमा करते हैं, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, 5-10 मिनट का ही करेंगे। अगेन आपको वही करना है, लाइट बंद करो, आँख बंद करो, वीडियो बंद कर सकते हो। 5-10 मिनट के लिए मैं क्षमा, मैं जो बोलने वाला हूँ आप वो आँख बंद करके करने वाले हैं। ठीक है, तो क्षमा हमें अभी आज हमको क्षमा करना है लोगों को। तो ये म्यूजिक क्या करता है, हमें हेल्प करता है ट्यून होने के लिए अपने साथ। तो ये इसलिए म्यूजिक का आप एक घर पे भी जब करोगे, तो आपके पास जो भी आपको अच्छा म्यूजिक लगता है उसके साथ करोगे तो ज़्यादा फायदा देता है, क्योंकि ये म्यूजिक के साथ थोड़ा सा हम ट्यून हो जाते हैं। चलो क्षमा करेंगे हम प्रैक्टिकल, अभी हमने थ्योरेटिकल समझा, अभी प्रैक्टिकली हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट जो होगा उतना अच्छी तरह से ध्यान से करेंगे। तो ध्यान से देखिए अपने सांसों को, अपने सांसों के साथ आप एक रूप है, सांसों के साथ अपने साथ रहिए, सांसें चल रही हैं। और अभी हम क्षमा ध्यान करने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं, और आप देखोगे खुद को हल्का महसूस होते हुए। जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, झगड़ा हो सकता है, किसी एक को आएंगे, किसी के साथ दो 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 दस दस बीस बीस लोग रहेंगे, अभी इसमें हम सिर्फ एक पर्सन को लाएंगे, एक या दो ज्यादा से ज्यादा, कि जिस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है उसे क्षमा मांगने वाले हैं, और उसका फील करने वाले कैसे होता है, क्षमा की ताकत को खुद अनुभव करने वाले हैं। उस इंसान को सामने लाइए और जिसने आपके साथ गलत किया है, अभी उसको बोलना है अपने को सॉरी, दो एक शब्द है, मुझे क्षमा करे, छोटा सा पंक्ति है, पर हम बोलने वाले हैं मुझे माफ करो, और दूसरा मैं तुम्हें माफ करता हूं या करती हूं। उस वक्त जो भी घटना घटी, उस वक्त अज्ञान में तुमने जो घटना की उससे मुझे बुरा लगा, बट उससे मैं तुम्हें आजाद करता हूं, करती हूं, मुझे माफ करो और मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, करती हूं, क्योंकि मुझे अभी नॉलेज मिला है आज कि तुमने तो एक बार मुझे दुख पहुंचाया था, तुमने तो एक बार मेरे साथ कुछ बुरा किया था,
बट उसको याद कर करके, याद कर करके मैंने मेरे मशीन में यानी शरीर में वही भावना डाल के मैंने ही मेरा ज्यादा नुकसान किया था, मेरे ही पैरों पे मैंने ही कुल्हाड़ी मार के ली थी, तो तुमसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। ये नॉलेज, ये ज्ञान मुझे आज मिला है, इस ज्ञान के साथ, इस समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं दिल से तुम्हें माफ करता हूँ और तुम भी मुझे दिल से माफ कर दो। जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया, हम दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं, क्योंकि उस फीलिंग में रह के, उस भाव में रह के हम दोनों भी बंधन में रहेंगे, तो हम दोनों भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तुम भी आजाद, मैं भी आजाद, तुम भी आजाद, मैं भी आजाद, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो, मैं भी जीवन में आगे बढ़ता हूं। तुम्हारे उस घटना के लिए मैं तुमसे दिल से माफ करता हूं, दिल से माफी मांगता हूं। हम दोनों भी आजाद हो जाते हैं, हम दोनों भी हल्के हो जाते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा सब अच्छा हो, तुम्हें जीवन की उच्चतम चीजें मिले, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना करती हूँ, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस माफी से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, मेरा अंतर मन का कचरा साफ हो रहा है, क्योंकि मुझे सफलता पानी है, मुझे शांति चाहिए, तो मेरे अंदर का कचरा निकालना मेरे लिए सही है। माफी यानी क्षमा करके मेरे अंदर का कचरा साफ कर रहा हूँ, कर रहे हूँ, और मेरे अंदर का कचरा साफ हो रहा है, और मेरी ये क्षमा तुम्हें भी पहुंच रही है, तुम्हारे मन भी मेरे, तुम्हारे मन में भी मेरे लिए जो कटुता है वो भी खत्म हो जाएगी, इसमें इतनी पावर है, इसका मैं आगे अनुभव लेने वाला हूँ, लेने वाले हूँ। तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, दिल के गहराई से उस घटना के लिए मैं माफ करता हूँ, उस घटना के लिए तुम भी मुझे माफ करो। अज्ञान में उस वक्त के ज्ञान के अनुसार जो भी घटना घटी वो छोड़ देते हैं, छोड़ देने में दोनों की भलाई है, पकड़ कर रखने में किसी का लाभ नहीं है, इसलिए उस घटना को हम छोड़ देते हैं और हम दोनों भी आजाद हो जाते हैं। तुम भी आजाद, मैं भी आजाद, तुम भी मुक्त, मैं भी मुक्त, तुम्हारा भी मंगल हो और मेरा भी मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्षमा करने से मुझे हल्का लग रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभारी हूँ, आज मुझे क्षमा करने का मौका मिला, क्षमा का ज्ञान मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ठीक है, खुली आंखें धीरे धीरे, आंखें खुलिए और कोई एक बताइए, क्षमा करने से कर पाए नहीं कर पाए, कैसा लगा, क्या छोटा सा ही था, 5 मिनट का ही, यस, कर पाए किसी को क्षमा, एक एक इंसान थे कि 10 लोग थे आपके जीवन में? बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अभी एक को कर पाए कि नहीं कर पाए? कर पाए, कर पाए। और कैसा लग रहा है, मतलब कुछ फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं? Feel better and better and better। चलो वही, वो बेटर महसूस ही वो इंडिकेशन है कि आपने वो दिल से माफ किया है। अगर दिल से माफ नहीं किया है तो आपको बेटर महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप जब दिल से माफ करते हो तो आपको पता चलता है कि यार हाँ, मैंने दिल से माफ किया है तो मेरे अंदर का कचरा साफ हो गया। यस मैडम जी, आपका कुछ कहना है? यस सर, हल्का लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, माफ किया। चलो थैंक यू। तो अभी ये याद रखना है, अभी तो हमने छोटा समय था 5 मिनट के लिए, तो आपके जीवन में तो बहुत सारे लोग होंगे,
अपने बच्चे होते हैं, पति होते हैं, सास होते हैं, बहू होते हैं, दोस्त होते हैं, जॉब में, तो जितने भी लोग होते हैं, अभी जैसे अपना 20 दिन का चल रहा है, तो जब भी आपको लगे कि अरे कुछ हो रहा है, तो किसी को मतलब जैसे भी सुबह उठे आप अपने अफर्मेशंस कर रहे हो, कल हम और भी कुछ विजुलाइजेशन सीखेंगे और भी नए नए टॉपिक सीखते जाएंगे, मतलब 20 दिन में जितने पॉसिबल है वो टॉपिक सीखने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी लगे किसी के बारे में, किसी को देख के ना, मतलब जो इंसानों को पसंद नहीं उसको देख के अपने अंदर कुछ होता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि क्या है ना, अगर हमने क्षमा कर लिया तो आपके अंदर कुछ नहीं होगा, आपके अंदर फिर से वो कचरा नहीं जमा होगा, तो हमें अंदर का कचरा साफ करना है, क्योंकि जितना आप शुद्ध बनोगे उतना आप बुद्ध बनोगे, जिसके अंदर प्यूरिटी ऑफ माइंड है वो बहुत आगे जाता है, जिसके अंदर प्यूरिटी ऑफ माइंड नहीं है, शुद्धता नहीं है, उस इंसान को सॉरी उस इंसान को वो चीजें नहीं मिलती है जो उसके हकदार है, तो ये सब चीजें जैसे धन्यवाद का कल हमने किया था, कल परसों में थैंक यू मेडिटेशन किया था, जो जब जब थैंक यू के भाव में जाते हैं तो अपने अंदर फीलिंग है की भावना आती है कि अरे हमारे पास कितना सारा भगवान ने दिया हुआ है, वैसे जब हम क्षमा करते हैं तो क्षमा से हमें पता चलता है कि अरे अपने अंदर कचरा है ना, पता चला ना अपने अंदर कचरा था, तो कचरे की सफाई करते हैं। अभी इसमें एक लास्ट का पॉइंट यह है कि हमने किसी इंसान को, अजय जी सुनिए थोड़ा लेट आए आप, क्षमा का टॉपिक चल रहा है, अगर हमने क्षमा किया कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, मतलब हमने उस इंसान को, हाँ यस, अच्छा तो क्षमा किए मतलब कैसे पता चलेगा ये सुनिए ध्यान से, इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट, क्योंकि अपने को पता चलना चाहिए ना किस तरह से हमने उनको क्षमा किया कि क्षमा नहीं किया, तो इसको एसिड टेस्ट बोलते हैं। जैसे मेरा मेरा एग्जांपल बोलता हूँ, मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मेरा बॉस थे, मेरे जूनियर थे, बॉस मुझे डांटता था, जूनियर मेरा काम नहीं सुनता था, तो मुझे अंदर वो नफरत पनपती थी, ईर्ष्या पनपती थी, तब मैं ये यूज करता था, तो इसका एसिड टेस्ट क्या है, एसिड मतलब आपने 12th में सीखा होगा ना, हम लिटमस पेपर डालते हैं वो अगर एसिड है तो नीला का पीला हो जाता है या कुछ कलर चेंज हो जाता है ना, मतलब अगर एसिड है तो कलर कुछ अलग हो जाता है और अल्कलाइन है तो कलर अलग हो जाता है, मतलब समझ में आता है कि एसिड है कि अल्कलाइन है, वैसे ही आपने क्षमा, अभी तो छोटा समय था बट वो पर्सन सामने आए और आपके अंदर बुरी फीलिंग नहीं आई, इसका मतलब आपने उनको पूरा क्षमा कर दिया है, वो इंसान सामने आया और आपने के अंदर कुछ बुरी फीलिंग आई तो आपको क्या समझना है, आपने क्षमा नहीं किया है, तो और एक बार, क्योंकि ये अपने अंतर मन में चला जाता है और अंतर मन में आपको लगता है ना अरे सब कुछ सही चल रहा है, और कभी कभी वो उदास लगता है, निराशा लगती है, अरे सब तो पॉजिटिव है बट क्यों ऐसा होता है, तो वो पर्सन का नाम याद आते ही हमके अंदर वो अंदर से अंतर मन से गांठे खुलती है, अंदर जो ताकत अपनी 90% जागा है, तो अभी हम सकारात्मक से तो भर रहे हैं, अफर्मेशन से क्या कर रहे हैं, हम उसको पॉजिटिविटी से भर रहे हैं, सकारात्मक हाँ रोज भर रहे हैं, और ये ऊपर से भरना भी चालू है और क्षमा मांगेंगे तो कचरा भी निकाल रहे हैं, तो अपना माइंड शुद्ध होते जाएगा, शुद्ध होते जाएगा, तो क्या है अगर हम ऊपर से डालेंगे पॉजिटिविटी और कचरा अंदर दबेगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्षमा मांगना है अपने को ना, बीच बीच में आपको हर रोज नहीं बट जिस इंसान के लिए, मतलब किसी का एक होगा, किसी को पांच होगा, किसी को 10 होगा, मैं किताब दिखाता हूं, 1 मिनट मुझे दीजिए, एक क्षमा का पावरफुल यूज इन्होंने किया, ये है यू कैन हील योर लाइफ, हाँ इधर इनका फोटो भी है, लुईस है इनका नाम है, कुछ किताबों का मैं नाम बताता हूँ आपको, अगर अच्छा लगता है तो आप लेके पढ़ सकते हैं, सभी लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास तो 500 किताबें हैं तो हमने बहुत सारा, मुझे अच्छा लगता है, बट कुछ सिलेक्टेड किताबों का मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कभी मौका मिले, जैसे जादू का मैंने बताया था, तो ऐसे ये है, इसमें इन्होंने पावरफुल यूज किया था, इनको कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया था इनको, और क्योंकि बचपन में जब वो छोटे थे उन्होंने कुछ पुरुषों ने अत्याचार किया था तो उनको क्षमा नहीं कर पाई थी और उसका असर यह हुआ था कि उनको कैंसर हो गया था, और ये 17 साल तक मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस वहां पे जाके खाना खा के आई थी, मतलब एक मॉडल बन गई थी बाद में, लुईस है, अभी ये 2-3 साल पहले गुजर गई 90 ईयर के बाद, जैसे मदर टेरेसा का नाम आप जानते हो ना, वैसे ये इस सेल्फ डेवलपमेंट के इसमें वो एक मदर टेरेसा है, इतने 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों के लाइफ में बड़ा बदलाव लाया है, जिनको कैंसर है, एड्स है, बहुत सारे लोगों को, तो इन्होंने लिखा यू कैन हील योर लाइफ, आप अपने विचारों से खुद को शरीर को ठीक कर सकते हो, मैंने भी इसका कुछ पार्ट यूज किया है और मेरे को भी बदलाव मैंने किया है, आगे कभी शेयर करूंगा, तो
तो इसमें दिया है कौन सी बीमारी का क्या कारण है, कौन से थॉट से क्या बीमारी होती है, इसने दिया है। अगर पांव की क्या बीमारी है, आपको कोई बीमारी है बताओ, फिर वो बता देगी कि कौन सा थॉट से आपको बीमारी हो रही है, कौन सा नेगेटिव थॉट है उससे आपकी वो बीमारी है। अगर उसका उल्टा आप दोहराना शुरू करोगे तो आपका वो थॉट, वो मतलब उसका उल्टा थॉट विचार आप बोलोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यू कैन हील योर लाइफ, या मतलब आपका जीवन आप ठीक कर सकते हो, ऐसा एक किताब है। तो उन्होंने क्षमा का बहुत ज्यादा यूज किया, बाकी का तो यूज किया क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने बताया उनको कैंसर हो गया था बचपन में, उनको पुरुष ने अत्याचार किया था, तो उन्होंने उसको गुस्सा था उनके अंदर और उस गुस्से की वजह से उनको कैंसर हुआ। तो मेनली जो कैंसर होता है, हम दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसके उसके असर अपने शरीर पे होता है। इसलिए जो नकारात्मक भावना क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अपने शरीर पे उसका बैड इफेक्ट, गलत इफेक्ट होता है। इसलिए क्षमा हमें खुद पे मेहरबानी करने के लिए करना है, उनके लिए नहीं करना है। समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, हमें क्षमा उनके लिए नहीं करना है, उनका क्या होगा वो होगा। यस गणेश जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। खुद के लिए करना है, हाँ खुद पे के मेहरबानी करने के लिए करना है, क्योंकि हमें शुद्ध होना है, हमें बीमार नहीं होना है, खुद पे हम मेहरबानी कर पाए इसलिए हमें क्षमा करना है। तो ये क्षमा का भी है ना 5 मिनट ही लगता है, अगर इसको भी आप आदत में डाल लोगे। ये मैंने जब किया था, मैं मेरे को याद है ऑलमोस्ट मैं 2-3 महीना करता था। अभी मेरा को तो किसी के ऊपर गुस्सा आता ही नहीं, मतलब वो समय क्या उसे होता है, बट कोई भी इंसान अगर आता है तो उसने बुरा किया तो भी वो क्षण के लिए होता है, बाद में कुछ नहीं होता है अंदर, है ना। बट पहले नहीं होता था, पहले हम कोल्हापुर से थे, हमारा गर्म मतलब तीखा खाने वाले हम लोग, बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा ये होता था, और उसका असर अपने बॉडी पे होता है। बट जैसे आप क्षमा करना, मतलब एक क्या है ना, आपको हर एक टूल मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे टूल है बट पावरफुल पावरफुल टूल है, जो आपके माइंड को प्रोग्राम करेंगे, आपको पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम करेंगे, और आपकी पॉजिटिविटी आज जो है वो बरकरार रहेगी। तो रोज एक को, अभी जैसे 22 तारीख तक है, 23 तारीख तक, सॉरी 21 तारीख तक हम लोग हैं, तो रोज एक को क्षमा करो। कोई भी एक पर्सन लेके आओ, बचपन से लेके बहुत सारा, क्योंकि धन्यवाद का हमने तो पूरा लिया था, कभी टाइम मिला तो हम डिटेल में लेंगे, बट आप अभी आज से शुरू करो, छोटा छोटा है ना, 5 मिनट का एक क्षमा करने का सोने से पहले। ये तो पुराना कोई निकाल के लाओ, है ना, पुराने बहुत सारे है ना, स्टॉक में बहुत सारे पड़े हुए हैं जो अपने अंदर है, तो उनको अपने अंदर से निकालना है, या फिर दिन भर में किसी को होता है उसको क्षमा करना है। तो ये थोड़ा सा करो तो क्या होगा, आप देखोगे कि आप रोज हर एक दिन सेशन के साथ कुछ अब हल्का महसूस करोगे, आपके अंदर बदलाव आप खुद अनुभव करोगे, और आपको लगेगा कि अरे आजकल क्या है, बिना कारण का मैं खुश हूं। अरे अपना पर्पज यही है इसका, जैसे हम वो सबसे शुरुआत में सांस चल रही है तो हम डांस करते हैं ना, आज लेट हुआ, आज एक्चुअली मैंने दूसरा लिंक चालू किया था तो इसके लिए सॉरी, वो मेरे को भी पता नहीं चला, 10 मिनट बाद मुझे पता चला। तो हम बिना सांस चल रहा है तो हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि सांस चल रही है एक रीजन काफी है। वैसे ये कुछ टूल्स है ना, हमको भूल जाते हैं हम लोग, हर चीज हमें याद नहीं रहती है, बट अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, अभी ये कुछ कहावत है हिंदी में, मराठी में तो बोलते, इंग्लिश में बोलते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप किसी चीज का अभ्यास करते हो ना, तब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो वो चीज आपको पता नहीं चलेगी। तो आपको चीज में अभ्यास करत, कुछ बोलते हैं ना करत करत अभ्यास, वो कुछ है, वो मुझे हिंदी का याद नहीं आ रहा है, करत करत अभ्यास उसमें ऐसा कुछ है। तो आप इसको अभ्यास करना है, रोज 5 मिनट में इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। करत करत अभ्यास जड़ मती हो सुजाना से। हाँ बराबर, करत करत अभ्यास जड़ मती हो सुजान। हाँ जड़ मती हो सुजान, तो थैंक यू अजय जी। हाँ ठीक है, चलो अभी 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट बाद वापिस आते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिला दे पाया मैं उसके लिए, 1 मिनट बाद वापिस आएंगे, फिर 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये 40 मिनट बंद हो रहा है। 1 मिनट बाद वापिस आते हैं, खत्म हो रहा है वैसे ही, ठीक है, 1 मिनट बाद वापिस आते हैं।